नमस्कार, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। आज की इस वीडियो में चर्चा वीटो पावर को लेकर है, क्योंकि आपको पता होगा कि काफी लंबे समय से भारत जो है वीटो पावर का इंतजार कर रहा है, यूएनएससी में सुधारों का इंतजार कर रहा है। हर साल भारत का प्रधानमंत्री चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से रहे हों, जब भी यूएन में अपनी स्पीच देने जाते हैं तो इस बात का जरूर जिक्र करते हैं कि यूएनएससी में सुधार होने चाहिए और भारत को भी वीटो पावर अब मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत एक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और दुनिया की सबसे बड़ी चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति भारत है। तो अब भारत काबिल है कि वो दुनिया का नेतृत्व कर सके, नेतृत्व में अपनी भूमिका निभा सके। ये तो आपको लग रहा होगा कि आम बात है, भारत हर साल इस तरीके की बात कहता है, लेकिन इस बार जो यूएन की मीटिंग हो रही है उसमें लगभग सभी बड़े देशों ने सुधार के लिए बात की है और उन्होंने जल्द से जल्द इन सुधारों की शुरुआत करने को लेकर कहा है। आपके मन में आएगा कि ये तो हर बार होता है, कि जी नहीं, इस बार थोड़ा सा खास है। खासकर यूक्रेन की जो लड़ाई हुई है उसमें रशिया, और इजराइल और फिलिस्तीन के वॉर की अगर बात करें तो उसमें इजराइल, ये दोनों ही बड़ी शक्तियों ने अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल अपने अपने विरोधियों के विरुद्ध किया है। और आप सबको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन ने कई रेजोल्यूशन पास किए रूस के अगेंस्ट, इजराइल के अगेंस्ट, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यूएन एक कठपुतली की तरह पूरे दृश्य को देखता रहा और लाखों लोगों की जिंदगी जो है बर्बाद हो गई, लाखों लोगों को मार दिया गया इन युद्धों में, लेकिन यूएन कुछ नहीं कर सका, ना हिजबुल्लाह का कुछ कर सका, ना ईरान कोई जो है वो प्रॉपर तरीके से बचा सका, ना आपका हिजबुल्लाह को प्रॉपर तरीके से बचा सका, ना इजराइल की भी रक्षा कर सका। ऐसा भी नहीं है कि इजराइल के भी आम लोगों को इन लोगों ने मारा, तो वहां भी वो रक्षा करने में जो है एक तरीके से कहिए तो गैर जिम्मेदार निकाय के तौर पर दुनिया के सामने जो आया। यूएन की वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, दुनिया को एहसास हो रहा है, चीन को भी एहसास हो रहा है कि यूएन अगर इतने जल्दी कमजोर पड़ता चला जाएगा तो आने वाले समय में उसे भी घाटा है, क्योंकि जिस रणनीति के साथ जो है अमेरिका काम कर रहा है, जिस रणनीति के साथ वो अपने विरोधियों को कमजोर कर रहा है, आप देखिए कि हिजबुल्लाह और उसके जो जितने भी समर्थक थे, ईरान है, सबको इजराइल के थ्रू काउंटर कर दिया, उधर रूस को यूक्रेन के थ्रू इन्होंने काउंटर कर लिया, हथियार भी बेच रहा है अपने और अपने दुश्मनों को भी जो है कमजोर कर रहा है, दोहरी नीति के साथ अमेरिका काम कर रहा है। और इसको काउंटर करने के लिए एक बड़े ग्रुप का होना जरूरी है, यूएनएससी में खासकर मेंबरों का साइज बढ़ना जरूरी है। यूएनएससी में अभी परमानेंट मेंबर में अमेरिका है, फ्रांस है, आपका यूके है, रशिया है और चाइना है। रशिया और चाइना दो देशों को छोड़ दे तो बाकी तो सब चीन उसके अमेरिका के ही समर्थक है, अमेरिका के ही एलाइज है। इसलिए चीन भी इस बात को लेकर तैयार है कि हमें इसमें जल्द से जल्द सुधार करने चाहिए, सभी देशों की लगभग सहमति बन चुकी है, तो अब रोड़ा कहाँ अटका है ये हम बात इस वीडियो में करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कल जो विदेश मंत्री थे, हालांकि शी जिनपिंग भी इस बार यूएन की मीटिंग में नहीं गए, तो विदेश मंत्री थे, उन्होंने इस बात को कहा है और उन्होंने कहा है कि जो विकासशील देश है उनकी बात को रखना चाहिए, उनके लिए मंच होना चाहिए और वो मुखरता से चीजों को रख सकें, ऐसे उनको वैल्यू मिलनी चाहिए। उनका कहने का मतलब ये था कि विकासशील देशों को भी एक उचित स्थान मिलना चाहिए। उनका इशारा किस तरफ का ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि एक ब्राजील बड़ा देश है जो कि विकासशील देशों में आता है और ब्राजील भी वीटो पावर की रेस में भारत के साथ है, ठीक है। हालांकि दोनों देश एक दूसरे का कभी विरोधी थे, अभी समर्थक है, ठीक है, बात अलग अलग। इटली भी कभी भारत का विरोध करता था, वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज इटली वीटो पावर के लिए भारत का समर्थन कर रहा है, ठीक है, कई सालों से समर्थन कर रहा है, हालांकि पहले विरोधी था। अब अगर यूएन में कोई व्यक्ति खड़ा है तो एक पाकिस्तान है और कोई एक ऐसा पाकिस्तान का देश हो सकता है तो तुर्की हो सकता है कि जो भारत की वीटो पावर का विरोध करे। स्थायी सदस्यों में भारत को एक खतरा चाइना से है, लेकिन चाइना का इस तरीके का रुख और पूरी दुनिया का भारत के एक साथ आना एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए बताया जा रहा है। ये आपको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले जब G20 की मीटिंग हुई थी तो G20 को G20+1 यानी कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराने का जो प्रस्ताव था वो भारत ही लेकर आया था। भारत के अंदर ही G20 की मीटिंग हुई तो उस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। तो इस तरीके से पूरा जो अफ्रीकन यूनियन है वो भारत के साथ खड़ा है, क्योंकि भारत ने लगातार प्रयास किए हैं कि अफ्रीका के देशों को बराबर का मंच मिले, वो भी अपनी बात जो है वो बराबर की हैसियत से रख पाए, ऐसा मंच भारत ने तैयार किया है। इसलिए अफ्रीका लगभग पूरा तैयार है और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें मैक्सिमम एलाइज हैं, अमेरिका के, फ्रांस के, यूके के, जर्मनी के, तो वो ऑलरेडी भारत के समर्थन में है। तो विरोध की सुई बस एक
चीज पर आकर अटक जाती है वो थी चाइना, और चाइना का रुख अब थोड़ा नरम पड़ रहा है। चाइना अगर इस चीज के लिए तैयार हो रहा है कि हाँ अब इस पर चर्चा होनी चाहिए, समय आ गया है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है इजराइल और रसिया वाला जो दोनों वॉर है उसमें चाइना ने देख लिया है कि यूएन का मजबूत होना बहुत जरूरी है, तभी उसको कोई बचा पाएगा। नहीं, हो सकता है कि अगला नंबर जो है उसी का आ जाए जिस तरीके से काम कर रहा है। डायरेक्टली नहीं वॉर हो, इनडायरेक्टली किसी न किसी देश से लड़वा देगा अमेरिका, ऐसा चीन को भी अब लगने लगा है। यूएनएससी में जयशंकर साहब ने बड़ी मजबूती के साथ बात करी करी। अमेरिका ने जो बात कही थी उसमें तीन देशों के नाम लिए थे, भारत और आपका जर्मनी और जापान, तीन देशों के नाम यूएस ने कहा कि हाँ इन देशों को अब विस्तार मिलना चाहिए। उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं एमनुअल मैक्रों और जो यूके के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। इन्होंने ब्राजील का नाम और जोड़ा कि ब्राजील को भी मिलनी चाहिए। भारत का नंबर आया तो भारत ने सीधा जाके ये कहा कि ये सब पक्षपात नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें दो चीजें अभी भी अटकी हुई हैं। रूस कह रहा है कि जर्मनी को क्यों मिले, जर्मनी तो अमेरिका का एलाइज है, उसको वीटो पावर की क्या जरूरत है, जापान को क्या जरूरत है, उसके लिए तो यूएस है ही, तो इनकी जगह अफ्रीकन यूनियन को दे दिया जाए, जैसे G20 में भारत ने उसको G20 का मेंबर बनाया, इस तरीके से अफ्रीकन यूनियन को दे दिया जाए ताकि अफ्रीकन देशों को भी कुछ इज्जत मिले, उनकी भी कुछ वैल्यू यूनाइटेड नेशन को। अफ्रीकन यूनियन पर किसी को ऐतराज नहीं होगा क्योंकि एक बड़ा यूनियन है, भारत भी उसका लगातार समर्थक रहा है, वो भारत भी उसका समर्थन करेगा। अमेरिका को थोड़ा बहुत आपत्ति हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि दुनिया का दबाव अगर बढ़ेगा, पूरा वर्ल्ड अगर एक साथ आएगा, तो अफ्रीकन यूनियन को भी जो है यूएनएससी में सदस्यता मिल सकती है, क्योंकि अफ्रीका में भी काफी देश अच्छे हैं जो स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पर हैं। ठीक है, तो ये भी एक हो सकता है। भारत ने जो मांग रखी अपनी वो स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि जो शुरू से मांग चली आ रही है, 1990 से ये मांग चली आ रही है कि भारत ब्राजील जर्मनी और जापान की वीटो पावर को जो है मिलनी चाहिए, यूएनएससी के सुधार के तहत इनको सदस्यता दी जानी चाहिए। और इसके अपोजिट में G4 कंट्रीज जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, G4 कंट्रीज थी, G4 कंट्रीज में इनके अपोजिट में एक ग्रुप बनाया गया था जिसमें इटली था, मेक्सिको था, मिस्र था और पाकिस्तान था। अभी अगर आप बात करेंगे इस कॉफी क्लब की तो ये कॉफी क्लब लगभग खत्म होने की कगार पर है। भारत ने इटली को भी अपने साथ कर लिया है, मेक्सिको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन मेक्सिको से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो यूएनएससी का स्थायी मेंबर नहीं है। ठीक है, इजिप्ट हमारे साथ है, इजिप्ट ने भारत का कई बार समर्थन किया है कि अब हम तैयार हैं। पाकिस्तान से हमें कोई मतलब नहीं है, इसके लिए अगर एक दो देश अगेंस्ट में जाएंगे भी पाकिस्तान के ही एलाइज होंगे, बाकी लगभग लगभग सारे देश जो है वो भारत के साथ है। भारत ने इस बात पर लगातार जोर दिया है कि यूएन जब बना था तो लगभग 50-52 सदस्य थे, आज यूएन के अंदर 193 मेंबर हैं। इतने सदस्यों की संख्या बढ़ गई, फिर भी यूएन में कोई बड़े सुधार नहीं हुए हैं आज तक 1947 के बाद से, तो इस समय ज्यादा जरूरत है कि सुधार किए जाएं ताकि छोटे छोटे ग्रुपों पर देशों का ध्यान न जाए। आपको पता होगा कि धीरे धीरे ब्रिक्स है, सार्क है, ये सब यूनियंस जो है छोटी छोटी और भी यूनियन है, G20 है, ये सब यूएन से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए, यूएन इनसे भी कमजोर संस्था निकलकर सामने आ रहा है, तो इसको एक वैल्यूएबल संस्था बनाया जाए जिस पर्पज के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था, विश्व शांति के लिए, विश्व में आर्थिक विकास के लिए जो बनाया गया था वो अचीव किया जा सके, इसके लिए यूएन का मजबूत होना बेहद जरूरी है। यूएन के सभी नियमों को पालन करें लोग, इसलिए यूएन का जरूर मजबूत होना काफी जरूरी है। भारत ने बात कही तो कॉफी क्लब जो भारत की वीटो पावर के अगेंस्ट था वो तो लगभग नाबूद हो चुका है। लगता है कि आने वाले समय में अफ्रीकन यूनियन को लेकर भी चर्चा हो, लेकिन चर्चा होगी इस बात के चांस ज्यादा हैं। अब यूएनएससी में सुधार को लेकर कुछ बड़ा होने जा रहा है, इस बात के सभी देशों की तरफ से संकेत हैं और उम्मीद है कि भारत के लिए कुछ अच्छा निकल कर आएगा। हो सकता है कि भारत को यूएनएससी की सदस्यता मिले, इसमें अभी समय लगेगा 1-2 साल का, लेकिन हो सकता है कि प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो भारत जल्द ही इसको हासिल कर लेगा, बशर्ते कि चीन का समर्थन हमारे लिए बेहद जरूरी है, बाकी तो पूरी दुनिया हमारे साथ है। तो देखेंगे आने वाले समय में भारत लगातार प्रयासरत है और कहां तक हमारे प्रयास जो है वो सफल होते हैं, ये समय बताएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।